हाउ टू डाउनलोड व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो एंड फोटोज। नमस्कार दोस्तों, मैं भारद्वाज आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने आज की वीडियो में। मेरा आज का वीडियो व्हाट्सएप के स्टेटस को लेकर जो है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह व्हाट्सएप के स्टेटस वीडियो और फोटो को बहुत ही आराम से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए पूरी जानकारी के लिए शुरू करते अपना वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अपने हिसाब आप सभी लोगों के ऐसे ही यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ जो आप सभी लोगों के काफी यूजफुल साबित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो व्हाट्सएप पर आने वाले अपने दोस्तों के आने वाले व्हाट्सएप स्टेटस की वीडियो और फोटो को डाउनलोड करना चाहते हैं, लेकिन उसको डाउनलोड नहीं कर पाते। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बहुत ही आराम से अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के किसी भी व्हाट्सएप स्टेटस फोटो और वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डालनी होगी। उस एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां क्लिक करके वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से कैसे व्हाट्सएप की वीडियो और फोटो को डाउनलोड किया जाता है, इसकी पूरी जानकारी के लिए मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। तो चलिए सीधा हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। ये मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब मैं आपको वो एप्लीकेशन दिखा देता हूँ जिसके माध्यम से आप व्हाट्सएप के स्टेटस के वीडियो और फोटो बहुत ही आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और यानी अब आपको अपने दोस्तों से स्टेटस वीडियो मांगने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल मेरे द्वारा बताए गए तरीके से किसी के भी वीडियो को किसी के भी फोटो को बहुत आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी होगी, इजी सोशल डाउनलोडर। इस एप्लीकेशन के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। इस एप्लीकेशन का आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां क्लिक करके इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे मैं आपको उसका आइकन दिखा देता हूँ। ये देखिए, प्ले स्टोर पे आपको कुछ इस तरह का आइकन दिखाई देता है। आप नॉर्मल इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस एप्लीकेशन में आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। उसमें एक व्हाट्सएप का फीचर्स भी दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, थर्ड नंबर पे आपको यहाँ व्हाट्सएप का आइकन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही आपको देखिए दो तरह की कैटेगरी मिल जाती है, इमेजेस और वीडियो। अभी जैसा आप देख रहे हैं इमेजेस का ऑप्शन आ रहा है, इन इमेजेस को मैंने देखा है तो ये मुझको दिखा रहा है। लेकिन अगर आप किसी की वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप अपना ओपन करना होगा। ये मैंने व्हाट्सएप ओपन कर दिया। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आप यहाँ स्टेटस पे आइए। आपको जिसका भी वीडियो डाउनलोड करना है आपको पहले उसका स्टेटस ऑन करके पूरा का पूरा देखना होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं ये देख रहा हूँ, ये तो फोटो से हम कोई वीडियो देखते हैं, इसमें कोई अगर हमको वीडियो दिखाई देती है तो जैसे कि ये वीडियो है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी इसमें वीडियो चल रही है, तो आपको पहले उस वीडियो को देखना होगा। तो हम इस वीडियो को थोड़ा देख लेते हैं। ये पूरी वीडियो मैंने देख लिया। मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद मैं उसी एप्लीकेशन को यहाँ से देखिए ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद हम दोबारा से व्हाट्सएप वाला आइकन ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अब हम वीडियोस पे क्लिक करेंगे। देखिए, जैसे ही मैंने वीडियो पे क्लिक किया, जो वीडियो मैंने देखे थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ चुके। अब मुझे अगर इनको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देता है। आप सीधा डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब मेरे सामने मैसेज आ चुका है सेव टू स्टोरेज, यानी ये वीडियो मेरे स्टोरेज में सेव हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। ये भी डाउनलोड हो गया है। अब मैं इसको थर्ड वाले को भी यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखिए, अब हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहीं पर देखिए आपको गैलरी का ऑप्शन दिखाई देता है। मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर काफी सारी कैटेगरी दिखाई देती है। तो यहाँ से मैं व्हाट्सएप वाले ऑप्शन को सर्च कर लेता हूँ। ये देखिए, ये वीडियो मेरी गैलरी में आ चुका है। अब मैं आपको उसको फोन की जो मेमोरी होती है, फोन मेमोरी, उसमें भी जाके दिखा देता हूँ कि वहां पे भी सेव हो चुका है। ये मैं यहाँ से गैलरी ओपन कर रहा हूँ। गैलरी ओपन करने के बाद देखिए, और यही देखिए रिसेंट का ऑप्शन है। रिसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके देखिए मेरे तीनों वीडियो यहाँ आ चुके हैं। तो आप इस तरह बहुत ही आराम से किसी के भी व्हाट्सएप वीडियो को फोटो को बहुत ही आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। फोटो को डाउनलोड करने के लिए नॉर्मल आपको यहाँ डाउनलोड वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड वाले आइकन पे क्लिक करेंगे वो फोटो डाउनलोड होकर आपकी मेमोरी में आ जाएगी, जो कि फोन मेमोरी है। तो मुझे उम्मीद है मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को ज्यादा फायदा हुआ होगा जो व्हाट्सएप की वीडियो फोटो डाउनलोड करना चाहते थे, वो भी स्टेटस वीडियो फोटो। तो